किसान नेताओं के द्वारा कल ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया है, तो क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और कैसे पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, जो 26 जनवरी का गणराज आ रहा है, उस गणराज में इस बार किसान भी अपने ट्रैक्टर से परेड करेगा, तो उसकी तैयारी के लिए, उसके रिहर्सल के लिए कल का प्रोग्राम होगा। तो यहाँ सिंघू से हम इधर नरेला के आगे से रसोई ढाबे की ओर उधर जाएंगे KMB के तरफ, उधर से भी हज़ार, इधर से भी हज़ारों ट्रैक्टर वहाँ पहुँचेंगे, तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर से बाईपास से जाएंगे, तो टिकरी से उधर इधर की ओर हज़ारों ट्रैक्टर आएंगे, तो बीच में इकट्ठे होने के बाद फिर दोनों वापस हो जाएंगे। इसके साथ जो गाजीपुर बॉर्डर के हैं वो पलवल की ओर या शाहजहानपुर की ओर बढ़ेंगे, मार्च होगा। तो इसमें जो आसपास के हरियाणा के, गाजीपुर वाला कौन सा रास्ता, गाजीपुर वाले जो कौन सा रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि उधर का तो जो NH-24 जो है उसको बैरिकेटर लगा के जाम कर दिए हैं। हाँ देखिए, ये भी हमारे पास, तो ये गाजीपुर बॉर्डर वालों ने चूज करना है, तो वो दोनों में से ज़्यादा लगता है पलवल की ओर जाएंगे, तो ट्रैक्टर मार्च तो होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वो। तो इसी के साथ जो हरियाणा के आसपास के गांव हैं उनमें से बहुत सारे हज़ारों ट्रैक्टर कल इस परेड में शामिल होने के लिए आएंगे। तो 26 का जो इसमें अनोखा है, 26 के लिए हरियाणा की बहुत सारी नौजवान लड़कियां ट्रैक्टर चलाने की सिखलाई ले रही हैं, पंजाब से बहुत सारी औरतें आ रही हैं, तो ये प्रोग्राम इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। प्रशासन का जो उनसे मंजूरी लेने की बात होती, वो सारी चीज़ें हो गई हैं क्या, कल कोई रोक टोक होने की संदेह? ये तो प्रशासन बता सकता है, लेकिन हमारा होता जब पहले अनाउंसमेंट हो गया तो उनको जानकारी तो, सूचना तो हो ही गई है, तो उनको अपनी व्यवस्था मुझे लगता प्रशासन ने भी की होगी, संचालन किस तरह से करना। तो मंजूरी कभी भी लोकतंत्र में हम नहीं लेते हैं, ना आगे लेंगे, सूचना देनी होती, सूचना उनको चल चुकी है, तो अपना कार्यक्रम करेंगे। लोकतंत्र में ये भी एक तरीका है सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुँचाने का। अगर कल कुछ रोकथाम हुई, या फिर कल जिस तरह से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में आंसू गैस के गोले बरसाए गए थे किसानों के ऊपर, कुछ ऐसा अगर कल हुआ तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, उसका निर्णय जब ऐसा करेंगे तब उसी टाइम लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन इन चीज़ों की मंजूरी दे देगा? अब मुझे लगता है पहले पीसफुलता बड़े आराम से ये प्रोग्राम कल संपन्न हो जाएगा। जो जाने के लिए रास्ते हैं उनका सब पूरा निरीक्षण हो गया, ब्यौरा हो गया, कैसे किधर से जाया जाएगा, क्या कुछ उसमें बाधाएं आने वाली हैं इन सभी चीज़ों पे? देखिए, जो KMP के ऊपर है सिंघू से, वो तो क्लियर है रूट, इधर से जो जाना हमने वो अब रूट देखने चले गए हमारे आदमी, पीछे से वहीं जाना है ट्रैक्टर निकाल के, तो हरियाणा वालों को भी वहाँ सोनीपत के पास KMP के ऊपर जहाँ से वो मिल सकते हैं उससे, तो अपने हिसाब से हर एक ने उस मार्च के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ। तो आप भी जा रहे हैं कल? हाँ देखिए, जिसकी ड्यूटी लगेगी सुबह कमेटी की, हम भी जाएंगे, अगर बोला जाएगा यहाँ पर भी रहना है, प्रेस का काम भी करना, जिस लीडर की ड्यूटी लगे हमारी लगेगी, हम भी जाएंगे। लगभग यहाँ से कितने ट्रैक्टर निकलेंगे कल? तो सैकड़े ट्रैक्टर निकलेंगे यहाँ से कल, अधिक से अधिक ट्रैक्टर निकाले जाएंगे, हज़ारों ट्रैक्टर होंगे जो जाएंगे, जब हज़ारों यहाँ से निकलेंगे, टिकरी से भी इतने ही आसपास निकले, मेरे ख्याल हज़ारों से भी अधिक होंगे, इसको कह सकते हैं, अब लाखों का शब्द भी यूज़ किया जाए, हज़ारों मतलब को गिनती नहीं, 50 हो सकते, 10,000 हो सकते, 5,000 हो सकते, टिकरी से भी इधर दोनों सिंघू से हज़ारों ट्रैक्टर चलेंगे। इतने सारे ट्रैक्टर एक साथ किसी भी हाईवे पर जाएंगे तो जो यातायात व्यवस्था है वो निसंदेह उसमें बाधा पड़ेगी, तो इन बाधाओं के लिए जो प्रशासन क्या कोई कदम उठाएगा ऐसा? ये तो प्रशासन से आप सवाल कर सकते हैं, हमने तो अपना प्रोग्राम करना है पीसफुली, हम करेंगे, प्रशासन को क्या कदम उठाने ये तो वो निर्णय लेगा। तो आप लोग पूरी तैयारी से हैं कल? बिल्कुल पूरी तैयारी से। कल कितने बजे से यहाँ से मार्च निकाला जाएगा और कब तक रहेगा पूरा, थोड़ा विस्तार बताएं? 7-8 बजे का प्रोग्राम है हमारा, तो चलते बहुत सारी तैयारी है, तो चलते थोड़ा 10-11 बज सकते हैं, तो मुझे लगता है ये 9-10-11 बजे चल पड़ेगा KMB के ऊपर बाईपास जो दिल्ली का है वहाँ चलेगा, चल पड़ेगा, मतलब 11 बजे तक चल पड़ेगा। कब तक वापसी होगी? तो ये देखिए, 20-25 किलोमीटर जाएंगे, 20-25 आएंगे, यहाँ 15 किलोमीटर है, तो 3-4 घंटे तो लगेंगे, और रास्ते में कोई बाधा पड़ती हो उसके लिए अलग से होगा, ये तो देखेगा, शाम तक वापसी होगी, शाम तक वापसी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कल
7 तारीख है और किसान जो नेता हैं उन सबके द्वारा आह्वान किया गया है कि ट्रैक्टर का मार्च निकाला जाएगा। तो कल ट्रैक्टर का मार्च निकलने वाला है किसानों के द्वारा, जिसमें सरकार को ये चेताया जाएगा कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो आंदोलन आने वाले समय में और तेज हो सकता है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।